वहाँ के छोरा है ब्रज के बसैया, वहाँ के छोरा है ब्रज के बसैया, तुम हो बिच्छू तो हम हैं ततैया, वहाँ के छोरा है ब्रज के बसैया, अरे तुम हो बिच्छू तो हम हैं ततैया, मारे गुलाल करे गालन कुलाल लाल लाल प्यारे प्यारे हैं होठ, सुनो जी मेरे मन में ना है कछु खोट, हो रसिया होरी में मेरे लग जाएगी रे, मत मारो नजर की चोट, अरे हाँ रे मत मारो नजर की चोट, होरी आई रे आई रे आई होरी आई रे, होरी आई रे आई रे आई होरी आई रे, होरी आई रे रंग लाई रे, होरी आई रे रंग लाई रे, गोरी तू प्यारी बरसाने वारी, नंद गांव के छोरन पे तू बच के कहां जाएगी, सतावेगी तू अखियन ते मारूं गुलेल, अरे छुरी रंगीली है, छुरी रंगीली है, छेला छबीलो है, छेला छबीलो है, अब कर लो तुम दोनों में बाजे सहनाई रे, बाजे सहनाई रे, मारे भर पिचकारी भिजी चोली भिजी सारी, मेरे आतर को पकड़ो है छोर, सैया निकरो करो चित शोर, होरी देखो आई रे, होरी देखो आई रे, बुआ बुआ अरे रे, घर को कोनो कोनो छान मारो और तू यहाँ पूजा कर रही है, अरे जी का आज हो रही है और तू जो ही खड़ी है, ले गुलाल लगवा ले, देख, ले देख रुक जा दुष्ट, जी का बुआ ना तो तू होरी मनावे ना दिवारी, बस गुमसुम बैठी भगवान की पूजा में लगी रहते, मैंने तो तोए बाई दिन हंसते भाई देखो जब मेरी पक्की वही काई, बस बेटा अब तो तुम लोगन ने देख के जी खुश है जाए, बाकी मेरे ताई अब का होरी और का दीवारी, खैर छोड़ इन बातन ने, तुझे बताए सवेरे से होरी खेल भी गयो और तू अब आयो है, हाँ बुआ आज तो होरी में आनंदी आए गयो, पर बुआ एक बात है, तू गोवर्धन परिक्रमा को चल रही है ना, चंदा को संग ले चलना, का कही जिना है सके, हमारे ऐसी परंपरा है ब्याह से पहले छोरी ससुरारी इनके संग ना घूम सके, ना घूम सके ना, तो हवाल तेरा रंग लगाओ तू, ले अच्छा अच्छा ले चलूंगी तेरी चंदाए, अरे मेरी अच्छी बुआ धंधा धंधा, हमें तो कोई आपत्ति ना है, अब तो चंदा आपकी है गई, आप स्वयं चल के आइयो तो मैं कहा कह सकू, ले बर्फी खाओ, मैंने ले ले मैं कौन लियो, बात जे चंदा की अम्मा कछु मन की धारणा समझ लियो, चाहे हवेली की परंपरा कह लो, गोवर्धन बाबा मंगलकारी है, गोवर्धन पर कम्मा कर बेते सब काम ठीक है जाओ करें, कैसी बात कर रही हो बहना, चंदा आपकी है, आपके संग जाएगी तो पुण्य मिलाएगो, अरे चंदा देखियो कहूं गैया ना घुसावे क्यारी में, हाँ
अच्छा तो तुम लायो भुआ को सिखाए पढ़ाए के? पर चंदा जे बताए कि मैं तूते तुम कब ते है गयो? हमारी सगाई है गई है ना? सगाई होते ही मैं तुम है गयो? सुन चंदो, तू मोते तू ही कहो कर। तू 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 बस। हाँ जे भई ना बात। सुन चलेगी? नहीं चलूंगी। हद कर दी तेने। मैंने तो जाने कैसे कैसे बुआएं मनायो है और तू ऐसी बात कर रही है। मोए तो जई बात को अचंभो है कि बुआ मान कैसे गई? मैं ना तो मानता मानी अपनी बन्नो ए पाई भी के ताई। तैने मांगी है तो देख, मैंने तो अपनी चंदा की ताई बाके बिहारी रंग जी शिनाज जी द्वारकाधीश ताऊ जी बाबा गोवर्धन बस। ये गोवर्धन जी को मंदिर। अच्छा? जय बाबा गोवर्धन। जय। जय हो बाबा। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणेताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे गिरिराज बाबा, हमारी यात्रा सफल करियो। बेटा जे पूछरी को लौटा आ गयो है, जब ते भगवान कृष्ण यहाँ बैठाए गए तब ते यही बैठो है। पूछरी के लौटा की जय। ला भुआ, भोग लगाए के औरू मंदिरन में है आऊं। ला जल्दी। अरे ठहर जा, जाने काय काय के हाथ है, दोनों हाथों धोया जाए के। चल चंदा, हाथ धोया मैं और भुआ के ताई नेक से बेर तोड़ला मैं। बन्नो भुआ को तेने खूब बनायो। देख ले अब खूब मौको लगेगा डोलवे को। देख चंदा जी, गोवर्धन बाबा को जतिपुरा वारो मुखारविंद है, यहाँ श्रीनाथ जी शयन करवे आमे। गिरिराज जी पे दूध चढ़ावे, फिर जलते स्नान करावे, तरन सोन को नहलावे, लड्डू बर्फी को भोग लगावे, सब भक्तन के मन को भावे, गिरिराज जी प्रसन्न है जामे। देख चंदा जी, जो गांव दिखाई पड़ रहे हो ना जी जतिपुरा है, और जी बीच में गोवर्धन बाबा विराज रहे हैं, और वो पलंकू जो दिखाई पड़ रहे हो ना वो आनौर है। कितना सुंदर गाँव है जी। वो स्थान है जहाँ इंद्र ने पूजा करी। अच्छा? और यहाँ हर साल 56 भोग लगे। कैसी कैसी सुंदर जगह पड़ी रास्ता में। हाँ। आनंद ही आ गया। हाँ। जी कौन सी जगह है? कुसुम सरोवर है जी, देख कितनी खूबसूरत जगह है। ये भागवत की कथा है रही है, ये पंडित जी है ना, बड़े अच्छा? नामी पंडित जी हैं। चल हम उन्हें एक देर सुन लें। आओ चल। हाँ। आज विदेशन में हूँ, विदेशी लोग भगवान श्री कृष्ण को अपनो इष्ट मानवे लगे हैं, वाही पे प्रभावित है के एक विदेशी कन्या मेखला यहाँ आई भई है, जो श्रीमद् भागवत और योग के ऊपर अनुसंधान कर रही है। आज मैं भागवत के दशम स्कंद को वर्णन कर रहा हूँ। एक दिन भक्तन की प्रार्थना पे श्री कृष्ण ने कामदेव के गर्व को चूर करवे के ताई रास की रचना करी।
या प्रकार ते दशम स्कंध आज पूर्ण भयो। याओ बेटी, स्वामी दिव्यानंद जी ते अपनो योग को पाठ पूरा करो। मेखला, दूसरा आसन कर। Gosh, I'm really sorry. नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अरे, चल। क्या कर रही है ये? चल। अरे, कहाँ ले जा रही है मुझे? चल, अरे बता दो सीने। चल। अरे, चल। अरे अरे अरे, चल तू मेरे साथ। अरे बता तो सही। अरे बता तो सही, कहाँ लेके जा रही है? चल, बताऊँ, तू चल। अरे, चल मेरे साथ, तू चल। चल। अरे है क्या को? कमीज उतार। मैं कह रही हूँ कमीज उतार। कहाँ? कमीज उतार। कमीज उतार। ले, अब बोल। बैठ। बैठ। ले। अरे अरे जी। अरे। बाप रे रंगीन की मचार कैसे भाई के माने तो कुछ हो। अरे तू जे का कर रही है? पवित्र कर रही हूँ तो कु। विरज की रास्ते। अरे तू चौप जर रही है? अरे अरे मेरी कमीज। अरे जे का करो तेने मेरी कमीज पानी में फेंक दी। बाप में मेरी नौकरी की चिट्ठी। कौनो कौनो छान मारू। थक गई मैं तो तुम्हें ढूंढत ढूंढत। अरे जे का नंगो चौठाड़ो है। जाने मेरी कमीज पानी में फेंक दी। हवाल लेके आओ तू। बाबरी कहूंगी। देख देख जे चिट्ठी आई है। मैंने तो सोची हती जब यात्रा पूरी है जाएगी तब जे खुशखबरी सुनाऊंगो। उस सेठ है ना द्वारिका प्रसाद नौटंकी वारे उनने बुलायो है। सेठ द्वारिका प्रसाद। बेटा हाँ सेठ जी द्वारिका को काम कबूर रुको है जो आज रुक जाएगा। कबूर ना कहाँ को छोरा? अरे देख लीजिए नौटंकी में छुट्टी मंजूर करते हैं लेकिन आज अहले दरबार की हाजिरी ली जाएगी। सबसे पहले अपने इस्लामी भाई इमाम बख्श हाजिर, करीम बख्श हाजिर, रहम बख्श हाजिर, शकूर बख्श हाजिर, अब्दुल्ला इमामुद्दीन फखरुद्दीन नसरुद्दीन हाजिर, असरुद्दीन हाजिर, राजपूत लोग जवाहर सिंह हाजिर, मान सिंह हाजिर, हरी सिंह हाजिर, कुहेर सिंह हाजिर, सिंह बटेर सिंह, गीता सिंह, कबूतर सिंह, अमर सिंह गैर हाजिर। देखिए हुजूर वो अमर सिंह बेशहू कितना है मगरूर। शाही हुक्म ठुकराया है, 7 दिन से नहीं आया है। राम सिंह जी अमर सिंह से जाके कह दो क्या 7 रोज के 7 नाख जुर्माना जाए नाक वरना उसका मैं नाम है ना दूंगा तोपों से उड़ो। आप एक दिन का 1 लाख क्या जुर्माना है बात 1 लाख के पति मेरे छिन छिन चीजे छिन छिन
को जुर्माने को। दरबार को ना इस दरबार को ना जाओ जिस तैया आधी रात को। दरबार को पतियाँ आपकी मर जाती धड़का खाती दे दरबार को ना। भाई वाह बजरंगी वाह जमुना की सौंप, बहुत बढ़िया जोरदार नगीना छांट के लायो यार। हीरा की परख जोरी ही कर सके सेठ जी, आज तो ऐसी चांदी बरसी है जैसी कबू नए बरसी। ले बेटा जे धल्ले हमारी तरफ थे। नहीं सेठ जी, आपने मेरी कला की कदर करी, जई मेरे ताई सबते बड़ो इनाम है। पर बिना तार मिले तो साजो सुर में नाए बोले, ऐसे ही आज चमेली मेरे संग ना होती तो सब रंग फीको पड़ जातो। जा मारे आज की सफलता को श्रेय चमेली को ही है। खूब, बहुत खूब। भाई चमेली तो हमारी नौटंकी को चमकतो सितारो है ही, पर सितारन की शोभा चंद्रमा ते होए, और वो चंद्रमा आज हमको मिल गया है। जा बेटा आराम कर। अच्छा। देख बजरंगी, जा बात को ध्यान रखियो, जे छोरा हाथ सुना निकलन पावे ना निकलागो। बिल्कुल सांचे। बिल्कुल। हमारी क्या पूछा द्वारका प्रसाद, हमारी बंसी कब कहाँ बजेगी जे तो हमें कछु ना मालूम। लेकिन तुम बड़े भोरे हो, कहू ने कछु कही और मान नहीं। पर बात का है कि जे तो बताए। तुमने जे कबू सोचो है कि बनवारी है कौन, छठो भाई गुंडा है, नंबरी बदमाश। का कह रहे हो तू? ठीक कह रहा हूँ मैं, वो तुम्हारा सारो ना है पंडित बैजनाथ। हाँ। बाकी दो नालायक छोरन में ते एक है जे। अच्छा, जे बता बड़ो है कि छोटो? छोटो। छोटो तो फिर वो बैजनाथ को छोरा ना है। तो फिर कौन को छोरा है? जे तो तोती काऊ है पतो ना है, पर हाँ गावे बहुत बढ़िया है। और तोती। हाँ। आज तैने मुझे एक नई बात बताई है। नई बात? अरे गुरु, नई बात तो तुमने आज मेरे को बताई है, मजा आएगा। अच्छा जय राम जी की। जो वह कछु काम धंधो ना है, या कि वहां वहां किया बिड़ा तो फिरे है भांजी को हुक्का। अरे ले हरो धनियो डारबो तो भूल ही गई। चंदा बेटी नेक पत्ती तोड़ ला। कर दई ने सगाई मुते पूछे बिना कछु पतो है बनवारी बैजनाथ को छोरा ना है? का? हाँ, कौन जाते जेऊ काऊ कुना है पतो? ये तू का कह रहे हो भैया? सोले हुआ ना, ठीक कह रहा हूँ। पूरे गांव में हल्ला है, बच्चा बच्चा की जबान पे चढ़ भयो है कि बनवारी बैजनाथ को छोरा ना है। जाने कहाँ ते ले आए, कौन को है कोई ना जाने। नहीं ऐसो ना है सके। तो का मैं झूठ बोल रहा हूँ? बात छोरा से सगाई करके तैनत मेरी नाक कटवाई दी, एक कौड़ी ना दूंगा भात में। तो कू अपनी और मेरी इज्जत को नेक्सो ख्याल होए तो सगाई तोड़ दे फौरन बाते। अरे भैया सगाई कोई पेड़ की टहनी ना है कि जब मन में आई तोड़ दई। बनवारी पलो तो पंडित के ही घर में है, नजर ही उनको बेटा। जीजा जी तुम्हारी जई बात मुझे अच्छी ना लगे, जा घर की इज्जत मेरी इज्जत है, सब जगह थू थू रही है और जे बात मैं सहन ना कर सकूं। अच्छा बहना मैं तो चलो। अरे सुन तो भैया सुन, अरे रोटी तो खा जा। ले है गई ना बोई बात, अब हाथ पे हाथ धरे बैठे रही हूँ। जा गांव में अगर बनवारी की बारात आई गई
तो मेरी लाश पे ते गुजरेगी। मेरी भली चाहो तो जाए के सगाई तोड़ दे। ले, अब तो रोटी तभी खाऊंगा जब सगाई तोड़ दूं। जी अंगूठी लौटाए के तुम अच्छा कर रहे केशव देव, ऐसे सगाई नए तोड़ी जाओ करे। अंगूठी लौटाए हुए थे पहले अपनी हैसियत तो देख ली होती। बात ही ऐसी है गई है पंडित जी, चंदा की अम्मा बनवारी ते रिश्तों करवे को बिल्कुल तैयार ना है। जब बनवारी के बारे में सब कछु मालूम है गयो तो जे रिश्तो ना है सके। का बात मालूम पड़ गई है? ऐसो पतो चलो है कि बनवारी आपको बेटा ना है। अम्मा अम्मा, बुआ बुआ, अम्मा कहाँ है? जो का बात है बन्नो, तो उदास तू है रे जी, जितनी आखन में आंसू का बात है रे। अब बताए बे लायक बचोई का है बुआ, जे सब मेरे भाग्य को दोष है। तो तू का कह रहे हो बन्नो, भगवान ने तो कुछ सब कछ तो दियो है। हाँ बुआ, पर मोकू माँ बाप ताए दिए। मैं पंडित बैजनाथ का बेटा ना हूँ, मैं उनको बेटा ना हूँ। जे झूठ है बन्नो, तू उनको ही बेटा है। तो प्रचंदा के पिताजी ने चाचा तेजे कैसे कही कि मैं उनको बेटा ना हूँ? बोल, तू बोल चो ना रही, तू चुप चो है। तो है मेरी सौगंध, तो है फूफाजी की सौगंध है। हाँ बुआ, आज मैं अपने जन्म के बारे में सच्ची बात जान के ही रहूंगा। अच्छा, तू जान नहीं चाहे तो सुन, तू तू भैया को बेटा ना है। ये एक लंबी कहानी है। आज ते 20 साल पहले जब मेरे ब्याह भयो तो तेरे फूफा जी पोए छोड़ के चले गए। मैंने उन्हें पाए भी कि ताई मंदिर मंदिर जाए के बनाती पानी। सबसे पहले मैं मथुरा गई, महाश्री द्वारकाधीश के मंदिर में जाए के द्वारका नाथ से मैंने प्रार्थना करी। बोल राजाधिराज की जय, बोल श्री द्वारकानाथ की जय। फिर दाऊ जी जाए के माखन मिश्री को भोग लगायो। बोल श्री दाऊ दयाल की जय, रेवती मैया की जय। राधा रानी के चरणन में जाए के मैंने अपने आसुन के फूल चढ़ाए। बोल श्री राधा रानी की जय, बोल मानसरोवर वारी की जय। राधा रानी के दर्शन करके मैं नरी सैमरी गई, जाके दर्शन करके मनोकामना पूरी है जाओ करे। बोल नरी सैमरी वारी मैया की जय, बोल नरी सैमरी वारी मैया की जय। वृंदावन में सब देवतान को निवास मानो जाए, माँ तेरे फूफा जी को पाए बेके ताए। मैं मीरा की तरह बावली सी घूमती रही, श्री रंगनाथ के मंदिर पहुँच कर भगवान के दर्शन करे। बोल श्री रंगनाथ भगवान की जय, बोल श्री रंगनाथ भगवान की जय। बिहारी जी की महिमा अपरंपार है, चाहे उनकी कृपा है जाए वो निहाल है जाओ करे। बड़ी प्रतीक्षा के बाद मुझे उनके दर्शन थे। बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल जी राजे। कछु लोगन ने करौली की जात करवे की बात कही तो मैं भगवान श्री कृष्ण की बहन कैला देवी के मंदिर में बड़ी आशा लेके पहुंची। करौली वाली करौली वाली कैला मैया करौली वाली
करौली वाली। जब मैं मंदिर के बाहर निकली तो मैंने देखो एक सलोनो सो बालक कोने में पड़ो रोए रहे हो और देर रह गई तो हुआ बालक के लेवे कोई ना आयो। पुजारी जी बोले कि जा भागे कुल्ले में अब कोई ना आवे को। बेटी तू इजा को पाल सके तो पाल, मैं वा कुल्ले के भैया के घर आ गई। बेटा बन्नो खून को रिश्ता ही सब कुछ ना होए। देख भगवान कृष्ण को जन्म दियो देवकी ने और पाला जसोदा मैया ने। तू का हमारो कृष्ण का नहीं ना है। बोल बोल बन्नो। मेरी कछु समझ में ना आए रे चाची। बनवारी हम गरीब जरूर हैं पर हमारी कछु इज्जत है, जान बूझ के मक्खी ना निकली जाए। चाची नाते रिश्ते तो सब टूटी गए हैं पर एक पोत में चंदा दे तो मिलवाए दे। अरे मिल लेन दे चंदा की अम्मा, कहाँ बिगड़ जाएगो। तुम चुप रहो जी, तुम्हारे मारे तो मेरी नाक में दम है गई हो। जा भैया जा, तेरे हाथ जोड़ू, अब चंदा ते मिलवो ना है सके। अब चंदा को ध्यान करीबो छोड़ दे। चाची
मैं तेरे पाए पड़ू। बस बस एक बेर चंदा ते मिलन दे, अगर वो कहेगी तो तेरी सो मैं जीवन में फिर कबू अपना मोहना दिखाऊंगा। बाकी कह भी काय, वो तो नादान है। चाची मैं तोते भीख मांग रहे हूँ, अपनो बेटा समझ।